नमस्कार न्यूज एट महानगर को आपमनकु स्वागत करूछि मु बंदिता संपूर्ण खबर को आसीबा दशहरा पूर्व कटक रे अपराधी दमन आरंभ कर दैछि कमिश्नरेट पुलिस एही क्रम रे बादामबाड़ी पुलिस कब्जा रे 4 जण अभियुक्त एवं एमानकु गिरफ करिछि पुलिस सेमानक थारु 3टी बंदूक एवं 16टी अफुटा गोली जबत होइछि बड़ कथा हेउछि गिरफ अभियुक्त मानक मध्यरे रहिछन्ति एल्बम अभिनेता तथा निर्देशक जितु राय एवं कटक रो अन्यतम पेशेदार अपराधी नव उर्फ ज्ञान साहू बंदूक कारबार करथिबा नै एक निर्दिष्ट सूत्रर खबर पाई पुलिस नव को धरिथिला एवं नव ठारु सूचना पाई अन्य तीन अभियुक्त बाबद रे पुलिस को सूचना मिलिथिला तेबे बंदूक व्यापारी ठारु जितु 4टी बंदूक किणि सेगुडी को विभिन्न लोकों को बिक्री करबा नै पुलिस पाखरे सूचना थिला किंतु रेड समय रे जितु राउत को पाखरु गोटिए बंदूक जबत करा जैछि या पाखरु गोटे आर्म्स रिकवरी होइछि तापर से कहला कि बंदूक ताकु जने लोक प्रकाश रावत अलियास पप्पू ये कि एसोसिएट हो टुकुना स्वईर ये कि आगु भी फॉरवर्ड होती आर्म्स सप्लायर केस रे ये कि गोटे बड़ा आर्म्स सप्लायर तार एसोसिएट अच्छी तार रिलेटिव भी अच्छी ताठू आणिकी ये लोक बंदूक सप्लाई करूला आज अन्य दुईज को भी बंदूक सप्लाई करी जेमानकर नाम होची प्रमोद कुमार राउत आ सुशांत परिडा ये दुज पाखर आम को गोटे सिक्स बंदूक आ गए 9mm बंदूक रिकवरी होती राती अधिया कोविड गाइडलाइन परिवर्तन को विरोध बीएमसी ऑफिस घेरिला टेंट कैटरिंग लाइट एवं साउंड संघ कहिले कोरोना कौन केवल विवाह भोजी रे हेउछि गाइडलाइन कोहल न हेले राजरास्ता को ओल्लाइबा को चेतावनी देछंती सेपट स्वास्थ्यकर्मी कहछंती बाहाघर व्रतघर मध्यरे जीवन आग नुआ गाइडलाइन नेण कि विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सव रे सर्वाधिक 50 जण को मिलिबो अनुमति विवाह व्रत रे 250 लोक योगदान करिपारिबे बोली एसआरसी देथिबा नियम को बीएमसी कमिश्नर को बेखातिर एपरिकी राता राती 250 लोकों पर मिलता अनुमति को कमाई करदे 50 केमिति फेराजीव लोकों ठारु आनिथिबा एडवांस कोरोना कौन केवल बाहाघर रे जोगदेले भोजी खाइले हेउछि मॉल पब होटेल कोर्ट रे हजार हजार लोक एकाठी हेउछंती सेठारे किछि हेउनी जदि बंद करबा को चाहूछंती सब बंद करंतु आज बीएमसी ऑफिस सम्मुखरे एपरि गर्जिछंती टेंट फुल लाइट एंड साउंड एवं कैटरिंग संघ एमिति कि बीएमसी रो मनमुखी कार्य और राति अधिया गाइडलाइन युक्तियुक्त नुहे बोली कहिछि संघ आमको जीविका चलिबो केमिति आम आम जी स्टाफ अच्छा दरमा देवु केमिति आम आम संसार चलो केमिति बीएमसी समस्त कथा शुणुच आम बेलू को कटक कौन पर राति अधिया कटक कौन पर चेज कले जदि कोविड रे सेमती किसी परिवर्तन होती बहुत जदि हेवी रेट रे कोविड बढ़ी चलती तेल फास्ट तो सपिंग मल बंद कर सिनेमा हल बंद करा कथा जानुरी फेब्रुआरी पर्यटन किटा लोकों बुकिंग नहीं हटात कि आसला जे 50 लोकर परमिशन 50 लोक द्वारा आम जो आडभांस उठे सारी अलरेडी इनभेस्टमेंट कर सारी तर जहाँ रिक्वयरमेंट से अनुसार आम इनभेस्टमेंट कर सारी अबिया केमि चलू जापरू आम के फेरबू भी आम पाखे कि उपाय ना एवं जो नुआ नियमटी लागू हो 50 लोक अलाउ कर 50 रु अधिक लोक अलाउ नक यापाई कि आम आग को कौन सी प्रकार बड़ कम आम कर सारा राज्य में कोविड कटक खुली हल मल और धर्मानुष्ठान निकट में राजनीति प्रचार भी जोरदार होता हेले बाहाघर में 50 जन अनुमति नहीं बीएमसी गाइडलाइन को विरोध मध्य स्वागत करिछंती स्वास्थ्यकर्मी कहिछंती बाहाघर व्रतघर मध्य जीवन आग आहुरी हाट बजार में कटक कड़ाकड़ी लागू करने को कहिछंती स्वास्थ्यकर्मी अन्यपटे कटक उल्लंघन कले आयोजक और घर मालिक दायी रही है दोहराई बीएमसी कमिश्नर बीएमसी रो पदक्षेप भल बीएमसी ने करछि किंतु सेटा कामरे देखा दरकार 50 जन सब जगार बाहर हो कि जेको फंक्शन 50 जन करदेला आम तो देखुछ 300-400-500 लोक किंतु खाली पार्टी कहीदे तो हेनी ता पदक्षेप ना बीएमसी रो दरकार ना आ बीएमसी करुछि कौन एवं भी लोक मैंने पजिट बाहर जदि आम ए मूवमेंट रे आमे जदि सतर्क न होबा ताले हेई परबानी सरकार जहा करूचंती ता नियम को मानि चलिबाटा हमर नियति आवश्यक काहे कि ना कोविड जाईनी ना कोविड केबे जीवनी भुवनेश्वर रे टेंट ओ कैटरिंग फुल लाइट उपरे 20 लाख परिवार निर्भर करछंती जीवन जीविका को आखिया के रखी
ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା ଓ ସୁମତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପାର୍ବଣରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ମଣ୍ଡପରେ କେବଳ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୂଜକ ହିଁ ରହିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମନା। ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି କଟକଣାକୁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କରୋନା କଟକଣାରେ ପାଳନ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେବଳ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ପୂଜକକୁ ନେଇ ପୂଜା ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ରହିବ। ମଣ୍ଡପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ସହ ବନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ କୋଭିଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା କିମ୍ବା RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଏହି ନିୟମକୁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର 4ଟି ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଯୋବି ପେଣ୍ଡାଲରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇବେ, ସେଠି 3 ସାଇଡ଼ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ, 4 ସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରଖିକି ରହିବ କି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଯେମିତିକି ଆଲାଉଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେଠି ଭୋଜି ବଗେରା କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରହୁଛି, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମନା କରାଯାଏ। ବିଏମ୍ସିର ପୂଜା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଗଲା। କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକଣା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପୂଜା କରିବା ମନା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁନଥିବା କହନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଯେହେତୁ କି କରୋନା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ହେବ, ସେ ଯାହା ଆମେ ନିୟମ କଥା ପାଳନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଜଣେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଲି ପୂଜା ହେବ, ଗତକାଲି ଜଣେଇଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଗେ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଥିଲା, ବଜାର ବଜାର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, କି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି କରୁଥିଲା, ଏଥର ତ କେଟି ଜଗା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ କିଏ ବାନ୍ଧି କରିପାରୁଛି, ଯାହା ଘରେ ଯେ ଯାହା କରିବେ, ପଦାରେ କେବେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନି ସରକାର, ଆଉ କେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରିବ କେଉଁଠି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। ସେପଟେ କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାଶ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରକୁ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଯୌମୁଦରେ ସିଲ୍ ଥିବା 11 ବକ୍ସକୁ କୋଷାଗାରରେ ରଖାଗଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରକୁ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏମାର ମଠର ରୂପା ଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଏହି ରୂପାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରକୁ ଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରର ରୂପା ଛାଉଣି ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଥିବା 5 ଟନ୍ ରୂପା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, 2 ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ 11 ବକ୍ସରେ ସମସ୍ତ ରୂପାକୁ ରଖି ଯଉ ମୁଦ ଦିଆଯାଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଉ ମୁଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୋହର ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ବକ୍ସରେ 2 ଲେଖାଏଁ ତାଲା, ଏହିଭଳି 22 ତାଲା ପକାଯାଇଛି। ତାଲା ଓ ଚାବିକୁ ନମ୍ବରିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାବିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଳଦିଆ ଲଫାପାରେ ବକ୍ସ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରୁ 2 ସେକ୍ସନ ସଶସ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ରୂପା ବାକ୍ସକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କୋଷାଗାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ରିସିଭିଂ ଲେଟର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆମେ 500 କେଜି ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 11 ବାକ୍ସରେ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସିଲ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ସବୁ, ସେଇଟା ତା'ର କି ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍। ଆମର 500 କେଜି ସିଲଭର ରହୁଛି,
और 11 बॉक्सेस रे हमें सेटा को रखीचु ट्रेजरी रे जेतु फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखा होची हमें जेतु इते वैल्युएबल जिंस अछि ताकु डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी रे रखिया पई मंदिर प्रशासन तरफ जो रिक्वेस्ट आस्तला सही अनुसार हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे करके एटा को करू मुंबई रो जणे दाता श्री मंदिर रो 8टी द्वार पई प्राय 2 टन रूपा प्रदान करथिले एथिरे बेहरण द्वार जय विजय द्वार सातपाहाच द्वार भोग मंडप द्वार लक्ष्मी मंदिर आदि नृसिंह मंदिर और विमला मंदिर द्वार रूपा छाउनी संपूर्ण होइछि केवल बाकी रहिछि कलाहाट द्वार आसंता रथयात्रारे कलाहाट द्वार को रूपा छाउनी करा जिवो एबे श्रीमंदिर सातटी द्वार रूपारे झलसुछि श्रीमंदिर प्रशासन सौंदर्यकरण को स्वागत करिछन्ति श्रद्धालु तेबे जिला कोषागारे रूपा को श्रीमंदिर प्रशासन गुरुतर सह नजर रखिबा आवश्यक बोली कहिछन्ति वरिष्ठ सेवायत ताकु वर्तमान ट्रेजरी भितर रखिया पई मंदिर प्रशासन तरफ व्यवस्था होई निश्चित भाव में ट्रेजरी पाखे रहू आमर कौन आपत्ति ना कि जो भाई भाव में रत्न भंडार चाबी जो भाव में हजिला पुणी तापर डुप्लिकेट चाबी मिलला से भाई समस्त के नसू पूर्व एमआर मठर उधार होता 45 खंड रूपाईटा आउ एपे पुणी श्रीमंदिर कलाहाट द्वार पर 5 क्विंटल रूपा को जिला कोषागारे रखा जा पुरीरु अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया विभिन्न अपराधिक मामलें छंदी होता कुख्यात गैंगस्टर सुशील और सुशांत धलसामंत कटक विभिन्न निम्न अदालत में हाजर होते जिला जज कोर्टे मामलों शुणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा निष्पत्ति विरोध करते डी ब्रदर्स वकिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम शुणी करागले सठिक भाव हो पारिबोली कोर्ट को कही धलसामंत भ्राता वकिल सौरचंद्र महापात्र अंपटे केतक मामलें साक्षी हाजर नहेबार मामलागुड़ी परवर्त तारीख को घुंचाई दीजाई उभय को से रुवा बालेश्वर बलांगीर जेल को कड़ा सुरक्षा मध्य पठाई दीजाई जो केस थिला से माने मुख्य तंगो प्रोड्यूस करिथिले जे वीसी रे करिवे कि नाही ट्रायल आमे वीसी रे करिवे को ऑब्जेक्शन करथि जे फेयर ट्रायल होबनी आ आमे इंस्ट्रक्शन पाई परिबो आ ओन्ने जो केस गुडा थिला फास्ट स्टडीजम को कोर्ट थिला एससीजम को कोर्ट थिला आ मजिस्ट्रेट को कोर्ट से साक्षी सब होबा कथा आ से माने कोन तंगो जो के आथले सेट के रिमाइंड कर देबे राज्य मुख्य सूचना कमिश्नर भाव शपथ नहीं जलद कुमार त्रिपाठी राजभवन में एक स्वतंत्र उत्सव में मुख्य सूचना कमिश्नर जलद कुमार त्रिपाठी को शपथपाठ कर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल स्वतंत्र उत्सव में भिसीरे जोगदे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शपथ ग्रहण उत्सव में मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र एसआरसी प्रदीप जेना पुलिस कमिश्नर सौमेन्द्र प्रियदर्शी सहित सूचना कमिशन कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे तमिलनाडु पूर्वतन पुलिस डीजी और चेन्नई पूर्वतन पुलिस कमिश्नर थे जलद कुमार त्रिपाठी पुलिस विभाग जन टॉप ऑफिसर भावे विभिन्न समय दक्षता प्रतिपादित करिछंती जलद तमिलनाडु पुलिस विभाग सर्वोच्च पदर रही दक्षता देखाइछंती से आउ दिन कईटा पर दुर्गति नाशिनी पूजा पूजा मंडप में मां मृणमयी मूर्ति निर्माण जोरसोर चली देखने स्वतंत्र सेगमेंट आसुछंती मां आसुछंती मां पीठरे आरंभ हो जाइछि षोडश उपचार आसंता काली ठारु आरंभ हेबो नवरात्रि चलचंचल हो उठिबो विभिन्न शक्तिपीठ नयापल्लीर बहु पुरातन पीठरे पूजार्चना आरंभ हो जाइथिबा बेले मंडपरे जोरसोरे चालिछि मूर्ति निर्माण एथरो चांदा आदाय नुहे बरं कमिटी सदस्य निज हातरो खर्च करि पूजा करुछन्ति आरंभ हेबो नवरात्रि नौ दिन नौ अवतारे पूजा पाइबे जगत जननी माँ दुर्गा बुधवार महालय अमावास्या माँ मृण्मयी मूर्ति खड़ी लगी हेब संध्यारे अमावास्या शेष हो नवरात्रि पूजा आरंभ हेब पीठरे आरंभ हो उपासना गोटे पटे माँ षोडश उपचार चलता बेले बुधवार सन्ध्यारु नवदिनात्मक पूजा विधि आरंभ हेब जहाँ दशहर शेष होता है नयापल्ली पीठ से कहीं के माँ दुर्गा पूजा पाता बेले
34 वर्ष हेब मृण्मय मूर्ति तैयारी हुई पूजार्चना करा जाउछि। बसती आरंभ रही पीठ किंतु जो मृण्मयी मूर्तिर पूजा 34-35 पूजा आयोजन करा जाइछि। 29 तारीख द्वितीय अवसर माँ दुर्गा पीठ मानक 16 दिनात्मक पूजा कार्यक्रम आरंभ करा जाइछि। नवरात्र हम अमावास्या जो दिन अच्छी अमावास्या परे परे प्रतिपदा जो भोग हुए से ही नवरात्र पूजा आरंभ कार्यक्रम चलो। चली माँ का मूर्ति निर्माण मूर्ति तैयारी प्राय शेष पर्यायर बुधवार लागी हेबो खड़ी रंग पर रंग काम और आभूषण से सुसज्जित हेबे माँ बेस जाक जमक प्रतिवर्ष पूजा सांग को आकर्षण तोरण और आलोकमाला झलसे मंडप एथर किंतु कोरोना जोगु सबु किछि फीका पड़ी बिना चांदारे कमिटी सदस्य निज पैसा पूजा करुछंती। प्रतिवर्ष पूजा रे मेलन और रावण पोड़ी देखिबा को नयापल्ली मेलन पड़िया रे लागे गहली हेले 2 वर्ष हेबो कोरोना सबु किछि फीका करि देछि। ए वर्ष कोविड नियम अनुजाई छोट मूर्ति नै आढ़ुळ रे हेबो पूजा। गत वर्ष भी से आहितला केवल माँ का दर्शन पाई तो सबु कटकणा लागू आमे आढ़ुआल भितर रही आमर पूजा विधि अनुसार जहाँ करवा कथा करा प्रति आणसी ये आम प्रशासन गाइडलाइन नहीं। एथर दशहर महिषासुर बध हेब रावण पोड़ी भी हेब हेले आग भली आतशबाजी हेब नहीं कि विशाल रावण हुहु हो जलिबनी विधि रक्षा पाई छोट रावण रे अग्नि संजोग करा जाय पालन हेब रावण पोड़ी। भुवनेश्वर कैमरामैन सुश्री सुलोचना को सह निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। सरकारी कटकणा थिबारु गत वर्ष भली एथर मध्य फीका पड़ा जाउछि शारदीय दुर्गा पूजा परंपरा बजाय रखा राजधानी विभिन्न पूजा कमिटी पक्ष पूजा प्रस्तुति चली भक्त विहीन निराडंबर पूजा पालन पर उद्यम विभिन्न पूजा कमिटी कहते मंडपर माँ को आवाहन चली प्रस्तुति कोविड महामारी कारण पूर्व वर्ष भर भी सारा राज्य में निराडंबर और बिना भक्त पालित हो दुर्गा पूजा। सरकारी कटका भितर राजधानी अग्रणी पूजा कमिटी पक्ष पूजा प्रस्तुति चली रसुलगढ़ सार्वजनीन दुर्गा पूजा कमिटर मूर्ति कारीगर मूर्ति शेष स्पर्श देयम अनुसार मूर्तिर उच्चता को 4 फुट भितर रखा। कोविड संक्रमण पूर्व दुर्गापूजार 3 मास आगर एटी सदृश तोरण और मूर्ति निर्माण आरंभ होता शह शह लोक मूर्ति और मेढ़ कम सामिल होता बेले घो घो डाकुला पूरा परिवेश एवं जमी सबू नीरवी जा पूजा कमिटी पक्ष कि एथर भी निराडंबर भाव पूजा कर प्रति वर्ष आसी आज 30-35 कम हो रसुलगढ़ में लॉकडाउन काम बंद था गत वर्ष मुसीपारि ये वर्ष मुसली सान मूर्ति सब जगार हो सान मूर्ति गवर्नमेंट रोडार ये 5 फुट हो चारिपट 5 फुट भितर हो गत वर्ष रु भी सरकार गाइडलाइन अनुसार कोविड जो महामारी आम सारा भारत में व्यापी ताजो आम पूजार विधि अनुसार केवल पूजा हम छोट मूर्ति हाइट कम एवं ब्राह्मण किसी मेम्बर नहीं कि भक्त दर्शन बंद हो विधि पूजा जमती हवा कथा ठाकुर कम आराम से हीपरि बमिखाल पूजा कमिटी पक्षर केवल परंपरागत पूजा विधि पालन होगा निष्पत्ति तेणु एटि भी खाँ खाँ परेश कमिटी कही कोविड नियम भितर हो मूर्ति निर्माण पूजा भी से ही नियम तेरे बुद्धिजीवी मतरे तृतीय कोविड लहरी भय एवं सरनी तेणु निराडंबर पूजा पालन नियम को सब पूजा कमिटी गुरुत्व देवा जरूरी संपूर्ण रूप आम जानूँ गत थर जो भाई गाइडलाइन को फॉलो करके आम पूजा करूँ ए वर्ष भी आम से भाव पूजा करूँ एवं आम चेष्टा करूँ गला वर्ष जमी कोरोना को कोरोना गाइडलाइन को समस्ते जमी मानिकी चलते ए वर्ष भी सेमती मानिकी आम दर्शकों गहली बिना उपस्थित रे हम पूजा करिवु पूजा तो निश्चय पालन करबा को पड़िबो तनो जेहेतु हम हिंदू धर्म रे मान्यता अनुसार हम करबा किंतु कोविड गाइडलाइन को भी इक्वली हमको प्राधान्य दबा को पड़िबो
ଆଉ ଯାହା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଟିକେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେହେତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ପୂଜା କମିଟି ସାମୟିକ ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ନିବେଦନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।